8.18 हार्मोन्स की मात्रा का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ हार्मोन। सबसे अधिक हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से बनते हैं। चित्र में मस्तिष्क में इसकी स्थिति को दर्शाया गया है। इसके द्वारा निर्मित हार्मोन वृद्धि, शक्कर के उपयोग, स्तनपान कराने वाली माताओं में दूध के निर्माण के अलावा थायराइड, एड्रिनल, अंडाशय, वृषण जैसे सभी हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। किशोरावस्था में अंडाशय और वृषण का आकार पीयूष ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स के कारण ही बढ़ता है। पीयूष ग्रंथि जननांग उद्दीपक हार्मोन गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के उत्पादन का इस तरह नियंत्रण होता है कि शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा स्थिर बनी रहे। इसी प्रकार पीयूष ग्रंथि का एक अन्य हार्मोन वृद्धि से संबंधित है और यह इंसुलिन के विरोधी की तरह काम करता है। एक अन्य हार्मोन थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है और रक्त में थायरोक्सिन की मात्रा बढ़ने पर इसका उत्पादन रुक जाता है। कुछ हार्मोन्स की क्रिया और भी त्वरित होती है और इनका उत्पादन जल्दी जल्दी बंद चालू होता रहता है। ऐसा ही एक हार्मोन है एड्रेनलिन, जो एड्रिनल ग्रंथि के मध्य भाग में बनता है। खासकर भावनात्मक परिस्थितियों में और कसरत या शारीरिक श्रम के दौरान यह हृदय को स्फूर्ति प्रदान करता है और रक्त को उन मांसपेशियों में भेजता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। एड्रेनलिन का असर बहुत जल्दी होता है, पर ज्यादातर हार्मोन्स का असर होने में कई घंटे या दिन लगते हैं। जैसे जैसे और जानकारियां प्राप्त होती जा रही हैं, उनसे पता चल रहा है कि हमारी किसी भी संरचना या कार्य की स्थिरता दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाओं के संतुलन पर निर्भर होती है। आज हम हार्मोन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, किंतु यदि हम इस जानकारी का उपयोग शरीर की आवश्यकता के अनुसार ना करें तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। तंत्रिकाओं और हार्मोन्स द्वारा सूचनाओं के आवागमन की प्रक्रिया एक दूसरे पर निर्भर है और आपसी समन्वय से चलती रहती है। मस्तिष्क में एक विशेष क्षेत्र में तंत्रिकाओं और पीयूष ग्रंथि के कार्य का तालमेल बना है। ऐसा ही हमारे शरीर में अन्य अंगों जिनसे हार्मोन स्रावित होता है उन सभी से तंत्रिकाएं जुड़ी हैं। हार्मोन तथा तंत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका से हमारे शरीर के कार्य सुचारू और संगठित रूप में चलते रहते हैं।